नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपको UPSC या IAS प्री 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, कैसा क्वेश्चन पेपर आया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर अपने आप उनके सर्च कर लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन बड़े होंगे उन क्वेश्चन के थोड़ा आंसर भी आपको दिखाऊँगा, जिनके आंसर बताने की ज़रूरत होगी उनके दिखाऊँगा, मतलब आपको ऑप्शन में बहुत कम आंसरों के दिखाऊँगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप देख लें, जो AR दिया था और VR दिया था, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक डेनिसोवन एक शब्द था, उस वो किससे संबंधित है, ये पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दोस्तों जो वेयरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पर्दे उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है, एक ये क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन था, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दिया था DNA वगैरह ये सब दिया था, तो इसमें से आपको सही मतलब गलत छांटना था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों RNA के बारे में था, RNA जो टेक्नोलॉजी रहती है उसके बारे में। और एक जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल के ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया था, इस प्रेक्षण का क्या महत्व है, ये पूछा था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोध के होने के क्या कारण हैं। एक क्वेश्चन था, केस नाइन प्रोटीन क्या है, मतलब शब्द वाले आए हैं काफ़ी, ये इसमें से आपको कौन सा सही नहीं है ये छांटना था, ये चार ऑप्शन दिए थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों, संविधान से संबंधित क्वेश्चन था कि जो केंद्रीय विधि को मतलब सेंटर कोई कानून बनाए तो उसको जो उच्चतम न्यायालय है वो अवैध घोषित नहीं कर सकता, और किसी भी संविधान संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था PPP वाला, आप देख सकते हैं। एक दोस्तों पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों के दिया था धान, ये फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 में निम्नलिखित में से किसी का मूल्य के आयात अधिक, मतलब कौन सा एक जो है जिसके ज़्यादा पैसा हमने दिया है आयात कराने में, दूसरे देश से मंगाने में, इनमें से आपको छांटना है। एक राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन था, आप स्वतंत्रता एक्चुअल में स्वतंत्रता किसको मानेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, तो आपको ये बताना था। एक क्वेश्चन था, रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, ना कि दोस्तों है, ठीक है, कौन सा उपाय नहीं उपयोग किया जाता। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन दोस्तों, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संदर्भ में एक क्वेश्चन था, एक देख सकते हैं आप, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, ये एक किसी देश का नाम पूछा था जिसने अपने नागरिकों के दत्त संरक्षण डेटा और प्राइवेसी समान दत्त संरक्षण नामक एक कानून अप्रैल में अपनाया है, उसका 25 मई 2018 को शुरू किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिक कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक भारत ने किस देश के साथ, तो ये आप